हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस अभ्यास। हम आज यूएस लिस्ट इंडिया कंट्रीज ऑफ कंसर्न ऑन क्लाइमेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली है क्या, यूएस ने अपना एक लिस्ट निकाला है उन कंट्रीज को लेकर जो क्लाइमेटिकली बहुत वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज के वजह से। समझ में आ गया, जहाँ वहाँ पे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो सकते हैं, ड्रॉट हो सकता है, फ्लड हो सकता है, तो इस चीज को लेकर यूएस ने अपना लिस्ट निकाला है। आप देखिए, इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि यूएस ने इसे लिस्ट निकाला है, इसलिए ये आर्टिकल बहुत इम्पोर्टेंट लगा क्योंकि इसमें इन्होंने इम्पैक्ट्स बताया कि किस तरीके से ये कंट्रीज, जो कंट्रीज ऑफ कंसर्न है, वो वल्नरेबल हैं, कौन कौन से वेदर इवेंट यहाँ हो सकते हैं, तो उसके इम्पैक्ट को लेकर ये आर्टिकल बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इससे पहले हम लोग जानेंगे कि ये आर्टिकल था क्या, उसके बाद हम थोड़ा क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ेंगे और फिर आगे इम्पैक्ट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स हैं, उन्होंने इंडिया को और उसके साथ साथ 10 अदर कंट्रीज को कंट्रीज ऑफ कंसर्न ऑन क्लाइमेट कहा है। ठीक है, उन्होंने कहा है कि बेसिकली इन जगहों पर जो ये 10+1 है, यानी इंडिया प्लस 10 कंट्री, वहां पर आपके मोर फ्रिक्वेंट हीट वेव देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ आपको ड्रॉट यानी कि सूखा, वहां पर बाढ़ भी मिल सकता है और जल की कमी भी हो सकती है। इसके साथ साथ जो है इलेक्ट्रिसिटी की स्कार्सिटी भी हो सकती है। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा कि कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर का आईना दिखाने की कोशिश की जा रही है कि इंडिया और अदर कंट्रीज जो हैं इस पर किस तरीके से दे आर वल्नरेबल। अच्छा, एट द सेम टाइम कुछ लोग ये कह सकते हैं कि इट कैन बी पॉलिटिकल ऑल्सो, पर हम लोग उस पर ध्यान नहीं देंगे। हमें बेसिकली ये समझना है कि किस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स जो है उन्होंने ये 10+1 कंट्रीज को कंट्रीज ऑफ कंसर्न कहा है, व्हाट आर द इम्पैक्ट्स। तो वो बाकी और कौन कौन सी कंट्रीज हैं जिनमें, जिनको कंट्री ऑफ कंसर्न कहा है, जैसे अफगानिस्तान को कहा है, ग्वांतमेला को कहा है, हाइती को कहा है, हॉन्डुरस को कहा है, ठीक है, सब करीबियन कंट्रीज हैं, इराक को कहा, पाकिस्तान, निकारगुआ, कोलंबिया, म्यांमार, नॉर्थ कोरिया, समझ रहे हो, इन सभी कंट्रीज को कहा गया है कि भाई ये कंट्रीज कंट्रीज ऑफ कंसर्न है। इन कंट्रीज के अलावा भी दो ऐसे रीजन है जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, उनको भी कहा है कि दे आर ऑल रीजन्स ऑफ कंसर्न। इसका मतलब कि 11 कंट्रीज को कहा है कंट्रीज ऑफ कंसर्न, अलॉन्ग विद दो रीजन्स ऐसे हैं जो अफ्रीका में है जिन्हें इन्होंने कहा है रीजन्स ऑफ कंसर्न। ठीक है, तो समझना पड़ेगा आपको कि क्या होता है। देखिए, चक्कर क्या है कि जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, ये बात आप समझिए, तो उस डेवलपमेंट के लिए हम कुछ ट्रेड ऑफ भी करते हैं। ट्रेड ऑफ इन द सेंस कि काफ़ी सारे हम लोग इन्वायरमेंटल कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं इन ऑर्डर टू डू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि हम लोग डेवलपमेंट के पीछे इतना भाग रहे हैं कि इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं जो है वो सबसाइड हो गया है। इसकी वजह से हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, इमिशन कर रहे हैं, समझ में आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट एटमोसफेयर में बढ़ रहा है, जिसके वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट आ रहा है और धीमे धीमे ये ग्लोबल वार्मिंग भी कर रहा है, और चूंकि वेदर इवेंट्स हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है। समझ में आ गया। अब एक बात देख लीजिए, जैसे ही टेम्परेचर मान लीजिए 2 डिग्री भी बढ़ गया इन जनरल एवरेज से, तो आपके जितने भी सर्कुलेशन हैं, इम्पैक्ट आएगा प्राइमरी सर्कुलेशन पे, इम्पैक्ट आएगा सेकेंडरी सर्कुलेशन पे, तो सारे सर्कुलेशन पे इम्पैक्ट आएगा, सारे वेदर इवेंट्स की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। ये बात आप समझ लीजिए, कहीं आपको पता चले कहीं पे ड्रॉट आ रहा है ना, और कहीं पर आपको पता चलेगा कि फ्लड आ रहा है, ये चीज बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। समझ में आ गया, और इनसे एसोसिएटेड बहुत सारे रेमिफिकेशन हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं व्हाट आर द इम्पैक्ट्स। ठीक, तो इंटेलिजेंस कम्युनिटी जो यूएस की है, उन्होंने 11 कंट्री को जो आइडेंटिफाई किया और 2 रीजन को रीजन ऑफ कंसर्न कहा है, उन्होंने कहा है कि इन कंट्री को रेजिलियंस बनाने की जरूरत है। अगर ये कंट्री रेजिलियंस नहीं बनाएंगे और अगर ये अपने फ्यूचर जो क्लाइमेट रिस्क है अगर उनको मिटिगेट नहीं किए, तो ये लोग बहुत बड़ी क्राइसिस में फंसने वाले हैं। समझ में आया, तो बहुत जल्दी इन लोगों को अपने रेस को मेंड करना होगा। अब इसी इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने, यूएस ने जो रिपोर्ट निकाला है उसमें ये भी कहा है कि इन सब क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आपका वार्मिंग टेम्परेचर होता जा रहा है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का मतलब क्या हुआ, अगर ड्रॉट पड़ा तो एकदम एक्सट्रीम ड्रॉट, फ्लड हुआ तो एक्सट्रीम फ्लड, साइक्लोन आया तो एक्सट्रीम साइक्लोन। समझ में आ रहा है,
इससे आपका डिसरप्शन होगा ओशियन पैटर्न्स में, आपके बेसिकली ओशियन वेव में चेंजेस आएंगे, थर्मो हेलाइन सर्कुलेशन में चेंजेस आएंगे ओशियन। आपको पता है कि चाहे वो वेव्स हो या ओशियन करंट हो, चाहे वो थर्मो हेलाइन सर्कुलेशन, ये सारी चीजें जो है वो लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस करते हैं, लैटिट्यूडिनल हीट बैलेंस करते हैं। समझ में आ गया आपको? और अगर मान लीजिए आपका हीट ही गड़बड़ हो गया है, डिसरप्ट हो गया और एक्सेसिव हीट हो रहा है, तो इन वेव्स की इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगी और हो सकता है कुछ वेव्स रुक भी जाएं, तो इससे हमारा जो लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। हमें इंटेंस साइक्लोन्स देखने को मिल सकते हैं, इंटेंस वेव देखने को मिल सकता है, हमें सुनामी देखने को मिल सकता है ओशियन पैटर्न्स में। समझ में आ गया? और ये हमारे कहीं ना कहीं एनर्जी सिक्योरिटी को, फूड सिक्योरिटी को, वाटर सिक्योरिटी को और हेल्थ सिक्योरिटी को, इन सब को इम्पैक्ट करने वाला है। ये बात आप समझ लीजिए। आपको मालूम है कि ओशियन जो है वो हमारे वेदर इवेंट्स को चेंज करता है। हमने अभी डीप ओशियन मिशन भी पढ़ा था, उसमें अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। तो 6 कंपोनेंट्स में ओशियन जो डीप ओशियन मिशन है उसमें वेदर प्रिडिक्शन और क्लाइमेट प्रिडिक्शन भी है। समझ में आ गया आपको? तो अगर कहीं ना कहीं अगर ओशियंस में चेंजेस आएंगे, इन सब चीज़ों में भी चेंजेस आने वाले हैं, आपकी सारी सिक्योरिटी डिस्टर्ब हो जाने वाली है। ठीक है, इसके साथ साथ आप हीट वेव देखेंगे। आपको नॉर्मल से मान लीजिए 35 डिग्री टेम्परेचर है समर सीजन में, तो आपको प्लस 10 डिग्री देखने को, 45 डिग्री, 46 डिग्री, 48 डिग्री ऐसे मिल सकता है टेम्परेचर। ड्रॉट मिल सकता है, सूखा हो जाएगा, हर तरह का सूखा आपको देखने को मिल सकता है। मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट मिल सकता है, हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट मिल सकता है, इकोलॉजिकल ड्रॉट हो सकता है। समझ में आ रहा है? और इसके अलावा आपको जो है एग्रीकल्चर ड्रॉट देखने को मिल सकता है। अगर इन सब की मीनिंग आप नहीं जानते हैं तो आप मेरे अभी अभी प्लस पे हमारा जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट की क्लासेस चल रही है, जाके देख लीजिए उसको, उसमें सभी ड्रॉट्स के बारे में मैंने डिस्कस किया है। इसके अलावा आप जो है मतलब बेसिकली आपको वाटर सप्लाई वोलेटिलिटी आ सकती, हो सकता है कहीं पर फ्लड आ जाए, कहीं पर बिल्कुल पानी ना हो। समझ में आ रहा? अच्छा, टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी, जो यूटिलिटी ऑपरेशन है वो भी बढ़ जाएंगे। आपको टेम्परेचर को कूल डाउन करने के लिए बहुत ज़्यादा एसी वगैरह चलाना पड़ेगा। तो ये जो आपको राइजिंग टेम्परेचर हो रहा है उनको हैंडल करने के लिए आपको प्रेपरेशन करनी होगी, आपको एयर कंडीशनिंग चलाने होंगे, वाटर कूलिंग सिस्टम लाना पड़ेगा, तभी जाकर आप उसको कोप अप कर पाएंगे। इसके साथ साथ आपके साइक्लोन की इंटेंसिटी बढ़ सकती है। समझ में आ रहा है? इसके अलावा आप जो है ये साइक्लोन की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी तो जो कोस्टल एरिया है उसमें आपको जो है बेसिकली सी वाटर जो है अंदर तक चला जाएगा, जिसकी वजह से वाटर कंटेमिनेट हो सकता है। इतना ही नहीं, टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से, साइक्लोन वगैरह आने की वजह से वेक्टर पॉपुलेशन बढ़ सकता है, मच्छर बढ़ सकते हैं, डिजीज बढ़ सकता है। ऐसा देखने को मिला है कि इंडिया के कुछ सालों में इंसिडेंस ऑफ डेंगू ज़्यादा बढ़ा है। समझ में आ रहा है आपको? आपने देखा है अभी अभी डेंगू का जो आपका जो प्रकोप है कितना ज़्यादा इंडिया में आया है, कितने लोग डेंगू से सफ़र किए हैं। अफगानिस्तान, ग्वेंटमाला, हैती, होंडुरस, इराक, पाकिस्तान, इंडिया, इन सभी में डेंगू के रेट्स बढ़े हैं। समझ में आ गया? और सबसे गजब की बात तो ये है कि इन कंट्रीज के पास इतने रिसोर्सेस नहीं है कि वो इन कंडीशंस को फेस कर सकें। दे हैव लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेस अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट गवर्नेंस कैपेसिटी टू अडॉप्ट क्लाइमेट चेंज इफेक्ट्स। ये बात आप समझ लीजिए। इसके अलावा रिस्क ऑफ इंस्टेबिलिटी आ सकता है, इसके वजह से माइग्रेशन क्रिएट हो सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट फ्लोज क्रिएट हो सकता है। समझ में आ रहा आपको? समझे? और इन सब चीज़ों की वजह से जो माइग्रेशन होगा, आप देखो ध्यान रखो, अब यूएस ने रिपोर्ट निकाला है तो उनका इंटरेस्ट भी सर्व होना चाहिए, उनको भी डर लग रहा है कि भैया अगर इनमें माइग्रेशन होगा तो फिर ये लोग यूरोप की तरफ जाएंगे, ये लोग यूएस की तरफ जाएंगे, फिर वहां पर माइग्रेशन बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए आपको फॉरन एड और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा, जिसका पैसा अल्टीमेटली यूएस का ही खर्चा होना है। तो इसीलिए वो ज्यादा कंसर्न है कि भाई देखो तुम लोग अपना देखो, तुम्हारी प्रॉब्लम बढ़ रही है। तो यही चीज़ें बताने हैं कि इसके मतलब इन कंट्रीज के पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेस नहीं कि इन कंडीशंस को वो जो है कोप अप कर सके। ऐसे कुछ अदर कंट्रीज भी हैं जो क्लाइमेट चेंज को लेकर, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर एक्सपोज हैं, लेकिन इनके पास फ्यूअर रिसोर्सेस हैं। चाइना, रशिया, सऊदी अरब, इजिप्ट, ये लोग भी इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। समझ मारा आप? तो ये कहीं ना कहीं अक्रॉस द वर्ल्ड इम्पैक्ट करना है। समझ मारा? इम्पैक्ट को लेकर मतलब ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि वॉट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ द क्लाइमेट चेंज। यूएस, अगर आपको मेंस में लिखना है तो आप यूएस की इस रिपोर्ट को कोट कर सकते हैं।
प्रीलिम्स में आपसे पूछ सकता है व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ द क्लाइमेट चेंज, समझ में आ रहा है आपको? ये थोड़ा ध्यान रखिएगा और ये जान लीजिए कि अगर इस वर्ल्ड में इस तरीके से ग्लोबलाइजेशन फैला हुआ है, अगर कोई एक भी कंट्री इफेक्ट होती है तो उसका इम्पैक्ट हर जगह पे होता है, समझ में आ रहा है? इसको कई बार हम लोग बटरफ्लाई इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। ऐसे ही वीडियोस जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस में देखना है तो आप IAS अभ्यास को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन एन अकेडमी बाई द नेम प्रकाश कुमार। थैंक यू।